हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुमेरपुर में कोरोना पीड़ित प्रभावित व मजदूर लोगों की सेवा के लिए शहरवासियों ने तन मन व धन से सहयोग देने का भरोसा दिया है। रविवार शाम नगर पालिका में आयोजित बैठक में प्रबुद्ध जनों, व्यापारियों, सामाजिक संगठनों ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। खंड मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह सिसोदिया के सानिध्य में नगर पालिका सभागार में बैठक का आयोजन रखा गया। सिसोदिया ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत राज्यों से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में निराश्रित व मजदूर लोग गंतव्य की ओर पैदल जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार के आदेशों की पालना में सुमेरपुर उपखंड मुख्यालय पर स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड पर ट्रांजिट बस स्टैंड व स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में ट्रांजिट कैंप स्थापित किया गया है। वहां वर्तमान में लगभग 350 से 400 लोगों को ठहराया गया है। जब भी वाहन सुविधा शुरू होगी तब उन्हें उनके गंतव्य तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाएगी। तब तक उनके भोजन की व्यवस्था के लिए दानदाताओं का सहयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री भोजन योजना प्रभारी पर्वत सिंह राठौर ने योजना की जानकारी देते हुए सहयोग की घोषणा की, जिसके बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों, कृषि बाजार, थोक व्यापार संघ आदि संगठनों के अलावा व्यक्तिगत रूप से दानदाताओं ने नकद व विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री देकर सहयोग की घोषणा की। आटा, दाल, तेल, किराना आदि के रूप में सहयोग की घोषणा पर सिसोदिया ने सभी का आभार जताया। सुमेरपुर उपखंड स्तर पर जो अन्य राज्यों के श्रमिकों हेतु ट्रांजिट कैंप स्थापित किया गया है, उस ट्रांजिट कैंप में अभी हमारे पास 350 से 400 के करीब अन्य राज्यों के लोग ठहरे हुए हैं। उन सभी की भोजन और अन्य जो खाने की व्यवस्था है वो हमारे द्वारा भामाशाहों के सहयोग से की जानी है, इसलिए आज मैंने सुमेरपुर के समस्त भामाशाहों, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष, सुमेरपुर थोक बाज़ार संघ के अध्यक्ष, आटा दाल तेल मिल के व्यापार संघ के और उनके उत्पादक संघ के अध्यक्ष से हमने वार्ता की, उनकी मीटिंग ली और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि सभी ने बहुत ही खुशी से हमें सहयोग देने के लिए वो एग्री हुए। सभी ने 31 मई तक, आगामी 14 दिन तक जितने भी लोग आएंगे पीछे से, उन सभी के लिए खाने की व्यवस्था करने का उन्होंने सहमति प्रदान की। उन्होंने ये कहा कि हम सुमेरपुर व्यापार संघ, मंडी व्यापार संघ, बाज़ार और ये मंडी जितने भी मील है, इन सभी के हम मिल करके हम पूरा खर्चा उठाएंगे और हमारा जो मकसद था वो पूरा हुआ। हमें ये चाहते थे कि भामाशाहों के सहयोग से ये अच्छा भोजन व्यवस्था चले, इस वजह से ये मीटिंग ली गई थी और मीटिंग और हमारा प्रयास सार्थक रहे। इस मौके पर नगर पालिका ईओ योगेश आचार्य, पालिका अध्यक्ष उषांक व राठौड़ समेत विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, पार्षद व प्रबुद्ध जन मौजूद थे। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट।